मीडिया के कुछ समाचार पत्रों में इस बात की सूचना प्रकाशित हुई थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई से MYH में कुछ बच्चों की, नवजात शिशुओं की डेथ हुई है। मेरी मीटिंग चल रही थी, सूचना मिलने पर हमने कलेक्टर इंदौर को भेजा था, डीन यहाँ पर मौजूद हैं, सुपरिंटेंडेंट यहाँ मौजूद हैं, और उनसे भी समीक्षा की थी, किंतु फिर भी चूँकि ये सेंसिटिव मामला था इसलिए सोचा कि खुद भी इसका परीक्षण कर लिया जाए। सभी के साथ में आज मैंने MYH के सभी जो सीरियस वार्ड्स होते हैं, जिसमें सर्जिकल ICU है, ICCU है, मेडिकल ICU है, बच्चों के जो PICU और न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबका खुद भ्रमण किया है। मुझे बताते हुए बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि ऐसा कुछ घटना हुई है, ये पूरी तरीके से गलत घटना को अंजाम दिया गया है। ऑन एन एवरेज मेडिकल ICU में, जिसमें 5 डेथ हुई हैं आज, ऑन एन एवरेज करीब 4 से 6 डेथ होती हैं, बिकॉज वो सबसे सीरियस पेशेंट्स वार्ड होता है, सभी डिफरेंट एलिमेंट से होती हैं, कुछ की एज उसमें 85 ईयर्स है, कुछ की एज 45 है, किसी की एज 27 है, किसी की और एज है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। ये सभी विभिन्न बीमारियों से बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टिपिकल बीमारियों के यहाँ भर्ती हैं, और जैसा मैंने पहले भी क्लियर कहा कि हर दिन लगभग 5 से 7 डेथ इन वार्ड्स में होती हैं। ये 1400 बेड का अस्पताल है, टर्शरी सेक्टर अस्पताल है, और इसमें ऑन एन एवरेज सभी पूरे अस्पताल को मिलाते हैं तो करीब 10 से 12 डेथ्स होती हैं। एक पर्टिकुलर वार्ड में ही, जिसकी बात मेडिकल ICU जिसे बोलते हैं, उसमें 5 से 6 डेथ्स होती हैं, और ये रूटीन है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई मेडिकल गलती से नहीं हुआ। दिस इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज़ रॉन्ग एंड वी माइट कंसीडर टेकिंग ए लीगल एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर करीब 350 बेड्स में है और सेंट्रल सप्लाई है, तो अगर प्रेशर कहीं कम होता तो वो सभी वार्ड्स में, सभी बेड्स में कम होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वार्ड में एक बेड पर हो और दूसरे बेड पर नहीं हो, क्योंकि सेंट्रल ऑक्सीजन है। अगर वो सिलेंडर से होता तो बात मानी जा सकती कि इंडिविजुअल सप्लाई है, इसलिए इंडिविजुअल प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया। चूंकि सेंट्रलाइज सप्लाई है तो ये संभव नहीं है कि एक चौथी मंजिल पर वार्ड के एक बेड में हो जाए और पांचवी मंजिल के वार्ड में एक बेड में हो और तीसरी मंजिल के एक बेड में हो। अगर ऐसा होता, प्रभावित होता, तो कोई पर्टिकुलर वार्ड, कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर सेक्शन इससे प्रभावित होता। तो इस तरह की प्रारंभिक रूप से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि संभावना नहीं है। डिस्पाइट दैट, चूंकि ये सेंसिटाइज किया गया है, वी विल इंक्वायर इन टू द डिटेल्स, वी विल बी क्रॉस चेकिंग द होल केस शीट्स, वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट इट कि कब से और कहाँ से भर्ती हैं, किन कारणों से भर्ती हैं और क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग थी। प्रारंभिक रूप से जो चार्ट मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है और देखा गया है, उसमें ऐसा लगता है कि देवर ऑल वेरी सीरियस पेशेंट्स हु हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। मैं तय करूंगा, इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसीज रहेंगी, इसमें कुछ डॉक्टर्स रहेंगे और प्रशासन के अधिकारी रहेंगे। प्रारंभिक रूप से बहुत स्पष्ट पुनः करना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई नहीं है घटना हुई है, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन में 1400 बेड के अस्पताल में 10 से 12 डेथ होती हैं और मेडिकल ICU जिसमें 5 डेथ हुई हैं, ऑन एन एवरेज 4 से 7 डेथ्स के आसपास होती हैं। सो दिस इज़ ए नॉर्मल रूटीन, डिफरेंट चीज़ों से हुई, ऑक्सीजन सप्लाई से नहीं हुई है, इन्फेंट्स प्रभावित नहीं हुए, कोई भी बच्चा PICU में, न्यूनेटल वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में डेथ नहीं हुई है, इसलिए दिस इज़ अ टोटल फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अस्पताल में देर इज़ ए प्रोसीजर, रातों रात नहीं भेज सकते, क्योंकि जब एडमिशन है तो उसका डिस्चार्ज होता है, डेथ होती है तो उसका डिस्चार्ज होता है, मॉर्चुरी में करा जाता है, एंड देर इज़ ए प्रॉपर प्रोसीजर उनके पे। ऐसा नहीं कि कोई अनअकाउंटेड बॉडीज थी, देवर ऑल विद द पेशेंट के उनके अटेंडेंट्स थे, तो अटेंडेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद ही उनको बॉडी हैंडओवर की जाती है, इसलिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। अभी तक मुझे 5 डेथ के बारे में बताया है, 2 डेथ कहीं और हैं, टोटल 7 या 8 डेथ हुई हैं, इसमें से कोई भी बच्चा नहीं है और ये डिफरेंट वार्ड्स में हुई हैं। और जैसे मैंने बताया, एवरेज डेथ इन MYH इन 1400 बेडेड हॉस्पिटल इज 10 to 12। सो दिस इज़ अ रूटीन बिकॉज देयर आर, दिस इज़ अ टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल, यहाँ सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं और इस कारण से यहाँ पर इतनी डेथ होती हैं, ऑक्सीजन के कारण डेथ नहीं हुई। सर, मंत्री जी का मैंने वो नहीं सुना है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर हूँ, डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, उनके साथ आपने देखा था कि मैंने वार्ड्स में जाकर वेरीफाई किया है, वहाँ के स्टाफ से वेरीफाई किया है, वहाँ के केस शीट से वेरीफाई किया है, उसके बाद ये बोला जाता है। मौत एक भी बच्चे की नहीं हुई है, मैंने बहुत स्पष्ट कहा। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है?
यू हैव द रिकॉर्ड्स, आई हैव चेक द रिकॉर्ड्स, डॉक्टर्स हैव गिवन मी द रिकॉर्ड्स, आई हैव गॉन टू द वार्ड, कंसर्न ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ बात की है, रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। तो किसी चीज़ को सेंसेशनलाइज मत करिए, आप सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। जब मैंने क्लियर करा है कि किसी भी बच्चे की डेथ नहीं हुई, तो रिकॉर्ड छिपाने की बात कहाँ है? इज दैट क्लियर? ईच वन ऑफ यू टू से दिस वेरी कैटेगरी के लिए, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरी क्रिएशन ऑफ सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज इज नॉट गुड।